तो फ्रेंड्स आज हम आपको खीरे का पराठा बनाना बताएंगे और ये पराठा इतना टेस्टी बनेगा कि आपने आज से पहले इस टेस्टी पराठे को ना ही खाया होगा और ना ही देखा होगा। और ये टेस्टी हेल्दी पराठा अगर आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी देंगे तो बच्चे झटपट से सारा चट कर जाएंगे। तो बहुत ही टेस्टी हेल्दी आसान सी रेसिपी है। चलिए देखते हैं इस रेसिपी को हमने कैसे बनाया है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स इस टेस्टी मज़ेदार से पराठे को बनाने के लिए यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है। इसमें हम डालेंगे 2 छोटा चम्मच ऑयल और ऑयल को हम गरम होने देंगे। जैसे ही ऑयल गरम हो जाता है इसमें हम 1/4 टीस्पून डालेंगे ज़ीरा और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा ग्रेट कर लिया है। थोड़ी सी हमने हरी मिर्च बारीक कटी हुई ली है इसे डाल देंगे। आप चाहें तो हरी मिर्च अदरक को स्किप कर सकते हैं और सिर्फ हम 15 सेकंड के लिए स्टोर करेंगे। और यहाँ मैंने ग्रेट करके 2 छोटे साइज़ के आलू लिए थे इसे हमें ग्रेट कर ही डालना है। और इसे डालने के बाद अच्छे से हम इसे चला लेंगे मिर्च और अदरक ज़ीरे के साथ में अच्छे से चलाएंगे। तो ज़्यादा देर के लिए नहीं चलाना है, 15 से 20 सेकंड के लिए ही चलाना है। अब इसमें हमें डाल देना है 1 कप पानी। तो पहले हमने आधा कप डाल दिया है, अब आधा कप और हम इसमें पानी डालेंगे। तो टोटल हमने 1 कप पानी इसमें डाल दिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, गैस की फ्लेम हाई है। और अब इसमें हमें डालना है 1 कप गेहूं का आटा, क्योंकि 1 कप पानी में हमें 1 कप ही गेहूं का आटा डालना है। थोड़े से हरे धनिया की पत्ती डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमें गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसे हमें बराबर चलाते हुए डो फॉर्म में ले आना है। तो 1 कप गेहूं के आटे में हमारे 2 से 3 पराठे ईजीली बन जाते हैं। तो अच्छे से हमें इसको अच्छे से इकट्ठा करके रखकर छोड़ देना है ठंडा होने के लिए। और जैसे ये ठंडा हो जाता है तो इसे हमें अच्छे से मसलते हुए एक अलग बर्तन में निकाल लेना है। तो अच्छे से पहले हमने इसे मसल लिया है, अब इसे हम एक अलग बर्तन में निकाल के थोड़े पंच लगाते हुए इसे हमें चिकना कर लेना है। इस तरह से अगर हम मसलते हुए गूंथेंगे ना आटा तो बहुत ही अच्छे से चिकना भी हो जाएगा और पराठे भी बहुत ही टेस्टी बनेंगे इस तरह से डो को तैयार करने से। तो अब हम लोइयां निकाल लेंगे। अगर आप गेहूं के आटों को इस तरह आलू मिलाकर चटपटा गूंथेंगे ना तो यकीन मानिए आपके खीरे के पराठे बहुत ही टेस्टी बनेंगे, बच्चों को बहुत ही पसंद आएंगे। तो यहाँ हमने एक लोई बना ली है। अब मैं यहाँ पर सिर्फ 2 पराठे बनाने वाली हूँ, तो 2 लोइयां मैंने बनाकर तैयार कर ली हैं। और यहाँ मैंने 2 खीरे लिए हैं, तो यहाँ हमें 2 खीरों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही खीरे से हम 2 से 3 पराठे इजीली बना सकते हैं। तो इसे हमें पहले पील कर लेना है। तो फ्रेंड्स इस टेस्टी मज़ेदार से खीरे के पराठे की रेसिपी को देखने के लिए वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो पूरा वॉच नहीं करेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि पराठे को कैसे बनाना है। तो यहाँ खीरे के हम पतले पतले स्लाइस निकाल लेंगे। अगर आपके पास ग्रेटर नहीं हो तो आप क्या करें कि पतले पतले नाइफ़ की हेल्प से भी स्लाइस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पतले पतले हमने स्लाइस निकाल लिए हैं। तो यहाँ मैं आपको 2 तरीके से पराठे बनाना बताऊंगी खीरे के। तो यहाँ मैंने ग्रेटर लिया है, इससे हम कद्दूकस कर लेंगे जिससे कि बारीक बारीक लच्छे निकल आएंगे। तो इस तरह से भी मैं आपको बताऊंगी कि आप पराठे खीरे के इस तरह से भी बना सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे आप उस तरीके से खीरे के पराठे बना सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से हमने खीरे को कटिंग करके और ग्रेट करके निकाल लिया है। अब चलिए हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। तो जो 2 लोइयां हमने लेकर रखी थी ना, इसे हमें खुश्की लगाकर अच्छे से बेल लेना है और पतला पतला बेलेंगे, बहुत ज़्यादा हम इसे मोटा नहीं बेलेंगे। पहले हम अच्छे से इसे पतला पतला बेल लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह के पराठे बहुत ही टेस्टी बनेंगे, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। क्योंकि हमने डो में भी आलू डाला है और थोड़े से मिर्च ज़ीरा, तो इससे बहुत ही चटपटा सा टेस्ट आएगा हमारे खीरे के पराठे का। तो पतला पतला सा बेल लेने के बाद हल्का हल्का सा हम इसमें ऑयल लगा देंगे और थोड़ा सा हम इसमें आटा डस्ट करेंगे। और अच्छे से अब इसमें हमें एक एक स्लाइस कुकुम्बर का इस तरह से लगाते जाना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं पतले पतले स्लाइस हैं, तो बहुत ही आसानी से ये रख भी जाते हैं और जब हम बेलेंगे भी ना तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छे से हमने स्लाइस इसके फैला दिए हैं। अब इसे हमें तिकोना शेप देना है, तो इस तरह से हम डबल कर देंगे और इसको एक बार और फोल्ड कर देंगे, तो ये हमारा तिकोना पराठा बन जाएगा। अब इसे हम थोड़ा सा बेल लेंगे, तो बेलने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि बहुत ही पतले पतले स्लाइस रखे हैं हमने इसके, तो थोड़ा सा पतला कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा पराठा रेडी हो गया है, अब हमें इसे तवे पर रख देना है। तो
तो तवे को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस करेंगे और इसमें हम अपना पराठा रख देंगे। तो इसे हमें मीडियम हाई फ्लेम पर ही पकाना है, एकदम हाई फ्लेम मत करिएगा, मीडियम हाई फ्लेम पे अच्छे से अंदर तक कुक होगा ये। और जैसे एक साइड से हो जाता है तो हम इसे फ्लिप कर देंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है, दूसरे साइड से भी अच्छा सा कलर आने तक फ्राई करेंगे और ऊपर से थोड़ा ऑयल और लगा देंगे। तो दोनों ही साइड से हमें ऑयल लगाते हुए इसे फ्राई कर लेना है। तो फ्रेंड्स ये बच्चे और बड़ों के लिए, सभी के लिए बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है। तो फ्रेंड्स ये पराठा बहुत ही इजीली बन जाता है और आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी देंगे, बच्चे इसे बहुत ही शौक से खाना पसंद करेंगे क्योंकि हमने ये बहुत ही टेस्टी पराठा बना के तैयार करा है। तो ये आप देख सकते हैं दूसरे साइड से भी अच्छा सा कलर आ गया, ऊपर नीचे करते हुए अच्छे से फ्लिप करते जाएंगे और ऑयल से ग्रीस भी कर देंगे। तो दोनों ही साइड से जब अच्छा सा कलर आ जाता है तो अब इसे हमें निकाल लेना है। और अब हम दूसरा पराठा बनाएंगे तो उसके लिए पहले हमें इसे अच्छे से बेल लेना है। और बेल लेने के बाद इसमें थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर देते हैं अच्छे से और थोड़ा सा हम इसमें खुश्की लगाएंगे। और लगाने के बाद जो हमने कुकुम्बर को ग्रेट करा था ना उसे हमें इसमें डाल देना है। तो ये याद ध्यान रखिएगा आप, कुकुम्बर से काफ़ी पानी छूटता है तो इसे आप पहले निचोड़ लीजिएगा, फिर आप अच्छे से इसको एक साइड में फैला दीजिएगा और थोड़ा सा नमक मिर्च इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिएगा जिससे कि टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, खाने में बच्चों को बहुत ही टेस्टी लगेगा। अब इसे हम इसी तरह से तिकोना पराठा बना रहे हैं हम। अब खुश्की लगा के इसे भी हम बेल लेंगे तो ये भी बहुत ही आसानी से बेल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और थोड़ा पतला ही बेलेंगे, जिस तरह से हम नॉर्मल पराठे बनाते हैं ना उसी तरह से हमें इसे बेल लेना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने ऑयल तवे पर लगाकर इसे डाल दिया है और ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। और जैसे ही अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इसे भी हमें फ्लिप कर देना है। और गैस की फ्लेम आपको मीडियम हाई रखनी है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, हाई फ्लेम पर इसे मत सेकिएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है, तो दूसरे साइड से भी अच्छा सा कलर आने के लिए हमें इसी तरह से इसे सेक लेना है। तो दोनों ही साइड से कलर बहुत ही अच्छा आ गया है, बहुत ही मज़ेदार सा क्रिस्पी सा हमारा खीरे का पराठा बनकर तैयार हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो अब इसे भी हम निकाल लेंगे। तो दोनों ही तरह से मैंने आपको पराठे बनाकर दिखा दिए हैं और दोनों ही तरह से बहुत ही आसान है इस तरह से पराठे को बनाना। पराठा खीरे का बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है और ये बहुत टेस्टी और हेल्दी होता है और इसे बनाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। आपने देखा कितने सिंपल तरीके से हमने आपको इसे बनाकर दिखाया है। और यहाँ मैं आपको इसको अंदर से चेक कर कर भी दिखाऊँगी। तो ये अभी गर्म है, आपको इसमें धुआं निकलता हुआ भी दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगी ऊपर से कितना क्रिस्पी सा बना है और अंदर इसके खीरे के कितने अच्छे लच्छे दिखाई दे रहे हैं, कितने अच्छे सा हमारा ये स्टफ़ पराठा बनकर तैयार हुआ है। तो आपको जो प्रोसेस आसान लगे आप इस प्रोसेस से इस टेस्टी खीरे के पराठे को बना सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको दूसरा वाला भी चेक कर कर दिखाऊंगी। ये अंदर आप देख सकते हैं इसके गोल गोल स्लाइस आपको खीरे के दिखाई दे रहे होंगे, बहुत ही अच्छे से ये कुक हुआ है अंदर तक, आप देख सकते हैं ये अभी काफ़ी गर्म है। बहुत ही अच्छे से हमारा टेस्टी मज़ेदार सा खीरे का पराठा बनकर तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स आप भी इस टेस्टी मज़ेदार से खीरे के पराठे को बनाकर एंजॉय करें। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। और ये टेस्टी खीरे का पराठा बनाना भी बहुत आसान है, खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो फ्रेंड्स अगर इस टेस्टी मज़ेदार से खीरे के पराठे की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं आपको मेरी इस टेस्टी मज़ेदार से खीरे के पराठे की रेसिपी कैसी लगी।